Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good. दोस्तों, मच्छी का जल बनाने के लिए पहले मैंने जो मसाला है उसको मैं पेस्ट कर लिए, और अभी तेल को गरम करके उसके बाद तेजपत्ता और काला जीरा मैं उस पर ऐड कर दूँगी। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको मेरी कल्पना चौधरी चैनल पे। और आज की रेसिपी है मच्छी का झाल विथ सरसों के साथ, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर लूँगी, जो टमेटो है मैं उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद जो मसाला है मुझे उस पर ऐड करनी है। जो लहसुन मैंने पेस्ट करके रखी थी उसको मैंने इसके अंदर दे दिए। उसे थोड़ी सी फ्राई करने के बाद मुझे जो जीरा पेस्ट करके रखी हो उसको मैं दे दूँगी। अभी उसको थोड़ी सी फ्राई करने के बाद जो मैंने सरसों को पेस्ट करके रखी थी वो मैं इसके अंदर दे दूँगी। अभी इसके अंदर मुझे और हल्दी और नमक और मिर्च डालनी है थोड़ी सी, ठीक है। आप आपके हिसाब से मिर्च डाल दीजिए। इसको थोड़ी सी फ्राई करने के बाद मुझे इस पे इसके अंदर हल्दी दे देनी है। मिर्च डालने के बाद थोड़ी सी पानी ऐड कर दिए। अभी इसको थोड़ी सी भूनने के बाद जो हल्दी है मैं इसके अंदर दे दूँगी, और उसके बाद ही रेडी हो जाएगी मेरी रेसिपी थोड़ी सी पानी डाल के, ठीक है। आप अपने हिसाब से पानी डाल दीजिए। दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। एकदम सिंपल सा कम मसाला से बनाया हुआ रेसिपी। देख सकते हैं मैंने मच्छी फ्राई करके रखी दी है अलग से, पहले से मैंने इसको फ्राई कर लिए, ठीक है। अभी क्या कर लूँगी, इसके अंदर थोड़ी सी मैं पानी ऐड कर दूँगी। अभी मैं इसके अंदर थोड़ी सी पानी ऐड कर दूँगी। अब जितना पानी रखना चाहते हैं उतनी ही दे दीजिए। अभी इसको उबलने के लिए मैं छोड़ दूँगी, ठीक है। अभी मैं पानी के हिसाब से थोड़ी सी नमक डाल दूँगी, और उसके बाद ही रेडी हो जाएगी मेरी रेसिपी। अभी देख सकते हैं पानी उबल चुकी है, और उसके बाद जो मैंने मच्छी फ्राई करके रखी थी वो मैं इसके अंदर दे देती हूँ एक एक करके। और मुझे इसके अंदर थोड़ी सी धनिया पत्ता ऐड करनी है। मेरा जो मच्छी झाल की रेसिपी है वो अभी हो चुकी है, और मैं इसको एक बर्तन पे उठा लेती हूँ और इसके अंदर थोड़ी सी मैं धनिया पत्ता ऐड कर देती हूँ, ठीक है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपके पास पहुँच जाए।